हम पहुंचे ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे, कमल कुंड मणि महेश कैलाश। तो ये देखो, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। ये सामने जो रास्ता दिख रहा है ये है शिव कुंड में। यार एक तो जो देखो ऊपर जो पैदल आ सकते हैं वो भी इन पे आ रहे हैं। भाई क्या हुआ बर्फ का, ग्लेशियरों में चलना है? ऐसा ही मन कर रहा है भाई, ऐसा ही मन कर रहा है ग्लेशियरों के बीच से चलते हुए। ओए सारी बर्फ है ये, लिटरली मन कर रहा था कि वहां जाना था। क्या व्यू आ रहा है, हर कुछ व्यू आ रहा है भाई। बोरे को यहाँ पानी है, पानी के पीछे बिल्कुल ग्लेशियर दिख रहे हैं। हम पहुंचे ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे। क्यों मौसम बहुत अच्छा मिला, इधर हवा भी ठंडी है ना, इसलिए जमा हुआ है ये। दूर से लगती है मिट्टी है बस। वो सामने दिख रहे टेंट लगे हुए और राइट साइड में यहाँ पे कमल कुंड है। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि कमल कुंड भी जाए। ऐसी जगहों में जड़ी बूटियाँ इनको छेड़ना नहीं चाहिए। ये सामने कैलाश है, यहाँ से हम परिक्रमा करते हुए आ रहे हैं और जाना हमने यहाँ जो डल झील है, पर उससे पहले हमारे को दिख गया कमल कुंड। वहाँ से आ रहे हैं हम, तो ये हम पहुँच गए कमल कुंड। जन्नत, जय शंकर। कमल कुंड बिल्कुल पास है, हर कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रही है, हर कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रही है कैलाश की। क्या क्लियर व्यू है कैलाश का भाई, ऐसे व्यू बहुत कम मिलते हैं कैलाश के। जन्नत। और अब हम चल पड़े दल झील की ओर। तो यार हम पहुंच गए हैं दल झील, ऊपर है। हम कमल कुंड से होते हुए थोड़ा नीचे निकले हैं। ये सामने जो रास्ता दिख रहा है ये है मेन रास्ता, मेन मतलब जहां से मोस्टली सब लोग आते हैं हटसर होते हुए। और ये टेंट वगैरह लगे हैं। यार एक तो जो देखो ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल हम रुके थे गौरी कुंड के पास, अभी हम ऊपर शिव कुंड नहीं गए अभी तक, अब जाएंगे। तो यार हम कमल कुंड से होके आए थे, तो इसलिए हम निकले थे गौरी कुंड के पास। तो रात को मैं यही रुके गौरी कुंड में, तो अब हम जाएंगे ऊपर शिव कुंड जो मेन झील है ऊपर, तो वहाँ के दर्शन करते हैं, उसके बाद निकलेंगे वापसी कुकती। जय मणि महेश कैलाश।
तो ये देखो कितना गंदे कैलाश में हुआ था, सब ये हम इंसानों ने किया है। यहाँ पे चॉपर भी आ रहा है और जो पशु है उन पे भी लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से इतना गंद हो गया है। और जहाँ से हम आए कुकती वाली साइड से, वहाँ पे कोई गंद नहीं था क्योंकि इंसान भी हम थे, चार बंदे मिले सिर्फ, यहाँ पे और कुछ ही गंद था। तो यार ये जो अभी मैंने आपको दिखाया ये भी एक रियलिटी है और बहुत गलत चीज़ है ये। और ये पहुंच गए हम शिव कुंड में, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। सबकी यात्रा सफल करना प्रभु। मणि महेश कैलाश, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर। रास्ता नीचे शुरू हो रहा है। जय शंकर, जय शंकर शिवाय। चले फिर बाबा जी, नीचे मिले बाबा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है भाई, नाम पूरी हर हर महादेव। चले अब नीचे की ओर, नंबर ले लो यार। हट सर, कहाँ है भाई? जय माता दी, ये है गौरीकुंड। तो हम चल पड़े हैं गौरीकुंड से हट सर की ओर और हमारी प्रतिमा पूरी हो जाएगी। तो ये देखो हटसर वाली तरफ से कितनी भीड़ है यात्रियों की। तो अभी उतराई में तो हम भाग भाग के चल रहे हैं बढ़िया। तो आपको मैं दोनों रास्ते दिखा रहा हूँ प्रक्रिमा के, एक साइड से आपको जाना है, एक साइड से आपको आना है। दोनों रास्तों में आप फर्क भी देख पा रहे होंगे, यहाँ तो प्रॉपर रास्ता बना है इसलिए यहाँ पे भीड़ भी होती है। यार बस ये देख के अच्छा नहीं लगता मेरे को, जानवरों पे जो भी बोझ वगैरह और जो भी आ रहे हैं इसमें। मतलब मैंने देखे कि यंग बंदे भी आ रहे हैं इनमें, जिनके सब सब कुछ ठीक है, जो पैदल आ सकते हैं वो भी इन पे आ रहे हैं। पैदल आ सकते हो तो यार पैदल आओ यात्रा पे, वही है असली यात्रा। तो ये वाला रास्ता है जो, ये बिल्कुल केदारनाथ की तरह लगता है क्योंकि केदारनाथ में भी जैसे आपको पता ही है चॉपर वगैरह सब है सर्विसेज, और पशु भी चलते हैं सामान वगैरह के लिए और लोग भी जाते हैं उनमें बैठ के, तो यहाँ भी वैसा ही है। बाकी जहाँ से हम आए हैं ऊपर कुकती वाली साइड से, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो रास्ते भी नहीं बने ना, वहाँ से लोग जाते हैं ज़्यादातर, बहुत कम लोग। रेस्ट करा जाए थोड़ा, इनकी बात माननी पड़ती है, इतना सामान लेके ऐसे रास्तों में। बस एक दो किलोमीटर का रास्ता रह गया है यार। अगर आप इन पे आना चाहते हो यात्रा में तो ना ही आना, वैसे ही अगर सच्चे मन से कुछ मांग लोगे महादेव से तो वैसे ही मिल जाएगा आपको। किसी को कष्ट पहुंचा के कैसी यात्रा होगा यार। तो अब हम पहुंच गए हटसर। अब दो भाई जो हमारे साथ थे उनको भेजा है गाड़ी लेने कुकती, फिर गाड़ी में निकलेंगे। टायर ही पंचर हो गया, बहुत ज्यादा हुआ।